नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। और आज हम जो करंट अफेयर के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हमारा हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस जो है वो कब जो है वो मनाया जाता है। तो विश्व अंगदान दिवस जो है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। ये इसका मनाने का उद्देश्य जो है वो व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात जो है अपने अंग को दान करने के लिए प्रेरित करना जो है मेन मकसद है, और यह जो है हर साल मनाया जाता है। तो विश्व अंगदान दिवस जो है 13 अगस्त को मनाया जाता है। और आने वाले अपकमिंग एग्जाम में हमें जैसे जुलाई और अगस्त में जो है, अगर आपका अगस्त में है तो मार्च अप्रैल मई, और अगर जुलाई सितंबर में आपके एग्जाम होने वाले हैं तो अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त के जो है वो जो भी डेट्स हैं उन्हें याद करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है वो जो नियर बाई डेट्स रहती हैं उन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जो है अगले सत्र में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली ने जो है वो अपने अगले सत्र में अपना खुद का जो है शिक्षा बोर्ड बनाने की जो है वो घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका डेमोक्रेट्स पार्टी ने भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना है। तो इसका राइट आंसर है बी कमला हैरिस। तो कमला हैरिस को जो है वो अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने जो है वो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो है वो चुना है। तो कमला, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कमला हैरिस किस पार्टी से संबंधित हैं। तो कमला हैरिस जो है वो अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया, तो यह किस देश ने किया। इसका राइट आंसर है सी इसराइल ने जो है वो एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का जो है वो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाकरा रामन कुट्टी का निधन हुआ, वे कौन थे। चुनाकर रामन कुट्टी, तो इसका राइट आंसर है बी गीतकार। तो चुनाकरा रामन कुट्टी जो है वो एक गीतकार थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने। तो इसका राइट आंसर है ए SS मुंद्रा को जो है वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राधा भाटिया की किस बुक को जो है वो इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है हमें आने वाले अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो उसका राइट आंसर है लस्सी। ये जो एक ट्रेडिशनल फूड से रिलेटेड बुक है जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं उससे अवगत कराएगी। तो इस बुक का नाम है लस्सी, जिसे इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, जो लिखी है राधा भाटिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया। तो इसका राइट आंसर है बी गुजरात ने जो है वो 2 फ्लाईओवर का निर्माण किया, जिनका एक का नाम सुषमा स्वराज और दूसरे का अरुण जेटली जो है नाम रखा है। तो गुजरात में जो है वो फर्स्ट इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में भी जो है वो राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है, और गुजरात पुलिस जो है वो फर्स्ट है इंट्रोड्यूस टेजर गन, ये जो इलेक्ट्रिकल गन से जो है इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ये भी गुजरात पुलिस में जो है वो ये गन आपको देखने को मिलेगी। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी जो है वो गुजरात में चलाया जा रहा है। अंबारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी जो है वो गुजरात में ही चल रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेटर लॉरा मार्श ने संन्यास की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड, और यह जो एक ऑलराउंडर प्लेयर थी जिन्होंने जो है वो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी स्तर के जो है वो खेल क्रिकेट के स्तर को जो है वो से पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया है। तो इसके साथ जो है वो रिलेटेड अभी हाल ही में आपने सुन लिया होगा कि MS धोनी और सुरेश रैना ने भी जो है वो अपना क्रिकेटर कैरियर को जो है वो अलविदा कह दिया है। तो उन्होंने भी अभी 15 अगस्त को अपने संन्यास की जो है वो घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की जो है वो घोषणा की है। इसका राइट आंसर है बी खेल मंत्रालय ने जो है वो फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है, जो स्टार्ट होगा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना जो है कर्नाटक में की जाएगी, और कर्नाटक में जो है ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गो गेट सेट गो का जो है शुभारंभ भी किया गया है, और एप्ता मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप भी जो है वो कर्नाटक के द्वारा ही लॉन्च की गई है। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक ही है, और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है हुबली, तो ये भी कर्नाटक में ही बनाया जा रहा है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की जो है घोषणा की है, तो वो की है संयुक्त राष्ट्र ने, यूएनए ने जो है वो मानसून से सर्वाधिक प्रभावित जो भारत के समुदाय हैं उनको सहायता करने की जो है घोषणा की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को जो है वो 20,000 रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है सी, दिल्ली ने जो है वो 20,000 रुपये रेहड़ा पटरी वालों को कर्ज देने के जो है घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों को रैंकिंग जारी की गई, तो वो की गई अमृता योजना। ये जो है ग्रीनरी और क्लीननेस से रिलेटेड जो है ये अवार्ड था अमृत योजना। तो इसमें जो है फर्स्ट प्राइज उड़ीसा ने जीता, सेकंड प्राइज चंडीगढ़ और थर्ड जो है वो तेलंगाना ने। तो और इसमें रैंकिंग जो है वो अमृत योजना के तहत जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यावरणीय घटनाओं के कारण नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए जो है योजना शुरू की, तो ये योजना शुरू की। इसका राइट आंसर है सी, गुजरात। गुजरात की सरकार ने जो पर्यावरणीय घटनाओं के कारण नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए जो यह योजना शुरू किया है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा, और आप अपने जो है वो स्टडी ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम टारगेट रखते हैं 10 लाइक का, जो मुझे पता है कि आप 10 लाइक तो कर ही देंगे। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, थैंक यू।